जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। नींबू काटकर बेडरूम में रखें और अगले दिन कमाल देखें। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाली हूँ। आप खुद देखेंगे कि कैसे नींबू काटकर अगर आप रात में बेडरूम में रखेंगे तो मॉर्निंग में देखेंगे कमाल। चलिए बता दूं मैं आपको नींबू के काट के रखने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप सुबह एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं तो एक बर्तन में नींबू काटकर अपने बेड के पास रख लें। हर दिन आपको ये करना है और खुद आप देखेंगे, क्योंकि लेमन की खुशबू ही इतनी रिफ्रेशिंग होती है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट्स होता है। और आपको मैं बताऊंगी इसके बहुत सारी अच्छी अच्छी यूजेस। नींबू अगर हम बेडरूम में काट कर रख लेते हैं तो हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। दोनों में सामंजस्य बढ़ता है और प्यार भी बढ़ता है। दूसरा फायदा जो हम अगर नींबू को बेडरूम में काट के रखते हैं तो वो ये है कि अगर कोई लंबे समय से बीमार है, अस्थमा का मरीज है या कोई भी उसे बड़ी बीमारी है दूसरी, तो ऐसा माना जाता है कि नींबू अगर बेड के पास काट कर रख दिया जाए तो बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाती है। आपको दो नींबू काट के रखने हैं पलंग के पास। दो से कम नहीं काटने हैं, दो कम से कम काट के रखना ही है। और नींबू की खुशबू से ऐसा माना जाता है कि जो सर्दी जुकाम से भी परेशान होते हैं लोग, या ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, सांस लेने में समस्या होती है, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है और अगले दिन सुबह रिफ्रेशिंग फील होता है। तो नींबू काट कर रख लें और रोज रखें। सुबह उस नींबू को आपको फेंकना नहीं है, वो टोटका नहीं है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपने खाने में। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, नींबू हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है ही, और अक्सर दुकानों में आप देखते होंगे कि टोटकों में भी यूज किया जाता है। हरी मिर्च के साथ नींबू टंगा होता है, जिस तरह एक प्याज टांगने से आसपास के कहते हैं गर्मी सोख लेता है, उसी तरह नींबू भी बुरी नजर को सोख लेता है। माना जाता है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग कर देता है, जिससे वो अधिक समय तक दुकान के ऊपर बुरी नजर से देख नहीं पाता या आपके घर की ओर बुरी नजर से देख नहीं पाता है, और इस वजह से आपके घर पर नजर नहीं लगती है। ये आस्था का मामला है या अंधविश्वास का मामला है? बहुत से लोग नींबू को तांत्रिक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन नींबू के बहुत ही सात्विक उपयोग भी हैं। और सात्विक उपयोग मैं आपको बताऊंगी जो कि समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है। नींबू को आप संकट दूर करने के लिए, खुद को मालामाल बनाने के लिए, ब्यूटी के लिए, आप हर तरह से नींबू का यूज कर सकते हैं। बुरी नजर से तो बचाता ही है, साथ में जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी सक्रिय नहीं हो पाती है। आसपास का वातावरण वहाँ का शुद्ध हो जाता है और घर में भरपूर पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है नींबू। और यदि ये पेड़ नहीं है तो एक नींबू लेके घर के चार कोनों में 7 बार घुमा लें, और फिर आपको अगर लगता है कि घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है तो वो नींबू को फिर आप कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर 4 टुकड़े करके चारों दिशाएं में आपको फेंक देने हैं। लौटते वक्त ध्यान रखें, आपको मुड़कर नहीं देखना है। इसके अलावा भी नींबू के बहुत से उपाय हैं। अगर जनरल यूज में आपको बताऊं, अगर बालों को आपने कलर किया हुआ है और बोर हो गए हैं तो उसको छुड़ाने के लिए, बालों के कलर को छुड़ाने के लिए, पुराने कलर को उतारने के लिए लेमन का जूस लगाएं। इसमें जो मौजूद है सियासिटिक एसिड, उससे कलर फेड हो जाएगा और फिर आपके बाल रेडी हो जाएंगे कोई नए फ्रेश कलर के लिए। नींबू का टुकड़ा हमेशा मम्मी दादी कहती थी कि हाथ में अगर कालापन आ गया या फेस पे कालापन आ गया है, कोहनियाँ काली हो गई है, घुटने काले हो गए हैं, तो मम्मी और दादी कहती थी कि नींबू का टुकड़ा कोहनी और घुटनों पर रगड़ने से कालापन दूर हो जाएगा। ट्राई करके देखें, बहुत ही फायदेजनक होता है ये। अगर आप एप्पल काट रहे हैं, कितनी बार एप्पल काटते हैं तो फिर उसमें ब्राउन ब्राउन होने लगता है। अगर आप एप्पल काट कर उसकी स्लाइस पर नींबू का रस लगा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। एक और आपको चमत्कारी उपाय मैं आपको बता देती हूँ, आप खुद सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे। अगर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा है तो किसी हनुमान
हनुमान मंदिर में आप चले जाएं और अपने साथ एक नींबू और चार लौंग लेकर चले जाएं। मंदिर पहुंचकर नींबू के ऊपर चारों लौंग लगा दें और फिर हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी से सफलता दिलाने की प्रार्थना करें और नींबू लेकर के जहां पर भी आप काम करना चाहते हैं वो लेकर काम स्टार्ट कर दें। इससे आपकी सारी तरह की सफलता की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। कर लीजिए ये उपाय। इसके अलावा एक कोली पानी में कुछ नींबू की स्लाइसेस डाल के माइक्रोवेव में रख दें। इसको ऑन कर दें। इसके भाप से अंदर जमा हुआ जो मैल होगा आपके माइक्रोवेव में वो सब क्लीन होकर स्मेल चली जाएगी। अगर प्लास्टिक की बोतल हो या लंच बॉक्स हो उसमें से ऑयल नहीं जा रहा है तो रात भर नींबू पानी में उसे डुबोकर रख दें और सुबह बेकिंग सोडा से क्लीन कर लें। अगर आप अपने धूल से जमे गहनों को नई चमक देना चाहते हैं तो उसको पानी में गीला करके नींबू के छिलके से रगड़ें, उनमें पहले वाली चमक वापस आ जाएगी। किसी भी बच्चे की या बूढ़े इंसान की नज़र उतारने के लिए हम नींबू का प्रयोग करते हैं। सिर के ऊपर से पैर तक 7 बार नींबू को वार लीजिए। इसके बाद इस नींबू की 4 टुकड़े करके किसी सुनसान रास्ते पर या तिराहे पर 3 रास्ते पर फेंक देना है। नींबू फेंकने के बाद आपको मुड़कर नहीं देखना है। अगर आपका काम धंधा बराबर नहीं चल रहा है, व्यापार में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो एक नींबू लेकर अपनी दुकान या अपनी जो भी ऑफिस है उसके चारों दीवार पर सटा दें। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में काट दें और चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें। इससे दुकान की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो नष्ट हो जाएगी और व्यापार में लाभ हो जाएगा। ये उपाय आपको 7 शनिवार को करना है। ध्यान रखें, लगातार करें, छोड़े नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि बाल नेचुरली शाइन करें तो बालों में शैम्पू करने के बाद एक नींबू का रस निकालकर बालों में कुछ देर के लिए लगा लें, फिर पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके बालों की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगी और शाइनी हो जाएगी और इससे जल्दी गंदे भी नहीं होंगे। कपड़ों पे लगे अगर दाग हो तो लेमन और बेकिंग सोडा मिला करके रगड़ने से दाग चले जाते हैं। सफेद कपड़े रखे हुए अगर पीले पड़ गए हैं तो उन्हें कुछ दिन नींबू पानी में डुबा कर रख ले तो भी दाग बड़े आसानी से चले जाते हैं। इसके साथ साथ ही हम भाग्य चमकाने के लिए भी नींबू का उपयोग कर सकते हैं। एक नींबू ले लें और उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। 2 टुकड़े कर लें उसके, एक टुकड़ा बाईं तरफ फेंक दें, दूसरा टुकड़ा दाईं साइड फेंक दें। बुरी से बुरी नजर भी माना जाता है नींबू से उतर जाती है। अगर नौकरी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है तो एक नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें, ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप करें और वो नींबू जॉब पर अपने साथ लेकर जाएं। एक दाग रहित नींबू लें और चौराहे पर 12 बजे से पहले जाकर 4 हिस्से कर लें और चारों दिशाओं में दूर दूर फेंक दें। मुड़कर नहीं देखना है लौटते समय और आप देखेंगे कि आपकी नौकरी की समस्या बहुत जल्दी हल हो जाने वाली है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर घर पे कोई रोग ग्रस्त है और काफी दवाइयां लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है तो शनिवार को एक नींबू लेकर के रोगी के सिर से 7 बार उल्टा घुमा ले एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक चाकू सिर से पैर तक धीरे धीरे स्पर्श करते हुए नींबू को बीच में से काट दे। दोनों टुकड़े 2 दिशा में शाम के समय आपको फेंकना है। ये टोटका किसी से भी आप जानकार से भी पूछ के करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें समय का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है तो 3 पके हुए नींबू ले लें, एक को नीला, एक को काला और तीसरे को लाल रंग की स्याही से कलर कर दें। अब तीनों नींबू पे एक एक साबुत लौंग गाड़ दें। इसके बाद 3 मोतीचूर के लड्डू लेकर और 3 लाल पीले फूल लेकर एक रुमाल में बांध दें। अब जो भी इंसान बहुत ज्यादा बीमार है उसके ऊपर से 7 बार उबार के बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। ध्यान रखें दोस्तों, ये करते वक्त कोई आसपास नहीं होना चाहिए। एक से एक उपाय बताया है मैंने, जो भी चाहे आप वो कर लीजिए। और नींबू के कितने नॉर्मल फायदे हैं वो भी मैंने आपको बताया है। और मैं आपको बता दूं, संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय भी कोई भी पंडित जो है वो आप उनसे मिलकर करें। उत्तरा फागुनी नक्षत्र होता है, उसमें नींबू की जड़ लाकर उसको गाय के दूध में मिलाकर जिस लेडीज को बेबी नहीं हो रहा है उसे पिलाना है, उससे पुत्र प्राप्ति की योग बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।